साइकिल से जा रहे दो मजदूरों से लुटेरों ने छीना मोबाइल। मिशन मार्केट के सामने मजदूरों से बाइकर्स लुटेरों ने दिया इस घटना को अंजाम। इन दिनों सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका फायदा लुटेरे बखूबी उठा रहे हैं। ताजा मामला बरेली की कोतवाली क्षेत्र का है, जहां चौकी चौराहे के पास दो मजदूर अपने दो वक्त की रोटी के लिए जा रहे थे। पीछे से बाइक पर सवार दो युवकों ने उनसे मोबाइल छीन लिया। इसकी सूचना चौकी इंचार्ज अयुक्त चौराहे की लेडी सिंघम अनुराधा वर्मा ने अपनी टीम को लगाकर दो घंटे के अंदर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से छीना हुआ मोबाइल बरामद किया। क्या नाम आपका? अविनाश कुमार। कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर तिलक कलोनी। आज आपके साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई पूरी बताइए। आज मैं अपने घर से ड्यूटी पे आ रहा था, अपने मालिक साहब से पैसे लेने के लिए, तो विसा मंडल पे दो स्कूटी से लड़के आए और मेरा फोन छीन के भाग गए। अच्छा। जिन्हें मैंने आगे चल के चलते हैं या हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ के उनने एक्सीडेंट करा, तो हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए और अपनी स्कूटी छोड़ के भाग गए। अच्छा, पुलिस को कैसे पता लगा? तुमने पुलिस को सूचना दी थी क्या? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मैम अपने राउंड पे जा रही थी तो मैडम ने भीड़ लगी देखी, तो मैडम भीड़ की तरफ आई तो मैडम को पता चला। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम इंपीरियल होटल में काम करते हैं, हाउसकीपिंग के पद पे। अच्छा, तो मोबाइल आपका छीन के ले गए चोर, या मतलब बच गया? नहीं, मोबाइल छीन के भाग गए। अच्छा, कैसे लड़के थे, क्या कितनी उम्र रही होगी लड़कों की, कुछ थोड़ा बता देंगे? लड़कों की उम्र यही होगी 22-23 साल की, और बड़े बड़े बाल थे दोनों के और गोरे से लड़के थे। कैसे कपड़े पहने थे, क्या था? आगे वाले लड़के ने तो वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर के फूल बने हुए थे, और पीछे वाले का इतना ध्यान नहीं आ पाया।